तो अगर आप भी यार अट्रैक्टिव और सेक्सी दिखना चाहते हो तो उसके लिए यार एक बात आपको अपने जहन में बिठाना पड़ेगी, और वो ये कि आप महंगे महंगे ब्रांड पहनने से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग सकते। अगर आपको यार अट्रैक्टिव लगना है तो उसके लिए यार सबसे पहले आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होंगे, सन टैन वगैरह होगा, तो आपकी यार लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो। इसलिए जो पहला काम आपको करना है वो है अपनी स्किन का यार ख्याल रखना, और इस पर अच्छे अच्छे से यार प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि स्किन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जो अगला काम आपको करना है वो है अपने हेयर्स का ख्याल रखना, क्योंकि स्किन की तरह यार हेयर्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर भी यार आपकी स्किन की तरह लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आप कोई अच्छा हेयर स्टाइल चूज़ करें जो कि आपको यार सूट करता हो, और उसके अलावा अपने हेयर्स के यार अच्छी सी रूटीन बना लें। जो तीसरा काम आपको करना है वो है यार अच्छे अच्छे से कपड़े ढूंढना, चाहे यार आप सस्ते से कपड़े ढूंढें, बस एक बात का ध्यान रखें कि उनकी यार फिटिंग परफेक्ट हो, और उसके साथ साथ यार उनकी कलरिंग कमाल, क्योंकि यार अगर आपकी फिटिंग वगैरह ठीक नहीं होगी, चाहे आप यार लाखों वाले भी कपड़े भी ढूंढ लें, आपको यार बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। इसलिए स्किन और हेयर्स और ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करती है अट्रैक्टिव दिखने के लिए। उसके अलावा यार आप ब्रेसलेट अच्छा सा पहन लें, और कोई अच्छी सी वॉच ढूंढ लें, क्योंकि हे ब्रेसलेट और वॉचेस भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। सो अगर आपको स्किन फैशन या हेयर से रिलेटेड कोई भी यार हेल्प चाहिए या कोई भी गाइड चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्किन फैशन और हेयर्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।